मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की तहसील नसरुल्लागंज से 20 किलोमीटर दूर गांव लोदड़ी पुल पर वर्षा का पानी अधिक होने के कारण बह गई मोटरसाइकिल। वहीं आपको बता दें कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक थे। वहीं जेसीबी की मदद से पुल के बीचों बीच निकाली गई मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका नाम राजा पिता बाबूलाल निवासी नसरुल्लागंज का रहने वाला है और दो युवक है वह भी नसरुल्लागंज के रहने वाले है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों को घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। इसी समय को देखते हुए शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। न्यूज इंडिया NI नसरुल्लागंज से सुनील अलावे की रिपोर्ट।